साला इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घूमता है और ऐसे काम, क्या सेठ, कहीं तू भी अपुन की तरह चोर तो नहीं है? ये गाड़ी भी चोरी की है क्या? अरे तू मुझे गलत समझ रही हो टिया रानी, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरा बहुत बड़ा नाम है, नाम है धनंजय सिंघानिया। अच्छा अच्छा, इसका मतलब कि तू चोर नहीं है, तो फिर अपुन का चेन तेरे पास कैसे आया? वो हुआ ये टिया रानी कि मैंने तुम्हें उस आदमी की चेन चुराते हुए देख लिया। जब वो लड़की तुम्हारी तलाशी लेने आने वाली थी उससे ठीक पहले। अपुन ने कोई चोरी वोरी नहीं किया हा? चाहे तो तलाशी ले लो अपुन की, और हाँ अगर चेन अपुन के पास नहीं मिला ना तो देख लूंगी। देखो मैंने ये चेन तुम्हारे पॉकेट में से निकाल के अपने पास रख ली। अच्छा अच्छा, तो तूने अपुन का हेल्प किया, अपुन को बचाया है? वेरी वेरी थैंक यू आसिफ। ओहो देखो टिया रानी, एक तो मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया, ऊपर से चेन भी वापस कर दी, और तुम हो कि बस थैंक यू। अच्छा तो अभी तेरे को इसका कीमत चाहिए। ए सेठ, अपुन कोई ऐसा वैसा लड़की नहीं है, अपुन पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं रहता है, और हाँ अपुन की तरफ नजरें उठाकर भी कोई देखे ना तो अपुन उसकी आंखें नोच डालता है, समझा क्या? डर गया मैं। पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत ज्यादा बातें करती हो। देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम इंटेलिजेंट बहुत हो, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। काम करोगी मेरे साथ? नहीं, वो क्या है ना, अपुन को किसी की गुलामी करना पसंद नहीं, अपुन तो फ्री बर्ड है, फ्री बर्ड। सोच लो टिया रानी, ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। अब देखो ना, ये छोटी मोटी चोरी से तुम्हें कितना मिलता होगा, 10,000, 20,000, और बहुत हो गया तो 50,000, ऊपर से पुलिस में जाने का डर अलग। लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करोगी ना टिया रानी, तो तुम लाखों में खेलोगी, लाखों में, 1-2 लाख नहीं, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख। साला तो अपुन को इतना पैसा देगा, इसका मतलब तेरे को भी बहुत फायदा होगा। हाँ वो तो है। तो फिर पैसा कितना लेना है ये अपुन फिक्स करेगा? बोलो बोलो कितना चाहिए था, बता। तेरे को जो भी फायदा होने वाला है ना उसका 10% अपुन को चाहिए, मंजूर है तो बोल, फिर अपुन तेरे साथ काम करेगा। डन डन टिया रानी, मैं तुम्हें इस काम के 10% दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा काम बहुत ही चालाकी और फुर्ती से करना होगा। तो फिर मैं ये डील पक्की समझू? एक मिनट सेठ, अपुन को जरा अपने लकी कॉइन से पूछना पड़ेगा। वो क्या है ना, अपुन कोई भी काम करता है ना तो अपने लकी कॉइन से पूछकर ही करता है। लकी कॉइन? चला अभी हेड आया तो अपुन तेरे साथ, और टेल आया तो राम राम। चल हेड या टेल? हेड या हेड टू हेड, हेड की टेल है। साला
सेठ तू तो बहुत किस्मत वाला है। अब उनका लकी कॉइन भी चाहता कि अपन तेरे साथ काम करे। चल अपन तेरे साथ काम करेगा। तो डील पक्की? पक्की। हेलो हेलो, मैं तक सिंघानिया बोल रहा हूँ। अब तेरा इंतजार खत्म हुआ मिस्टर सिंघानिया। कल सुबह 5 करोड़ रुपए लेकर मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर पहुंच जा, वहां तेरी बीवी तुझे मिल जाएगी। लेकिन हाँ, होशियारी करने की कोशिश मत करना वरना। नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अकेले वहां पैसे लेकर पहुंचूंगा। सिर्फ मेरी अनु का ध्यान रखना प्लीज। उसे कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए प्लीज। मैं वक्त पर पहुंचूंगा। अब अनुपमा को कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती क्योंकि हमने उसे सारे तकलीफ सारे दर्द से आजाद कर दिया है। बहुत भरोसा था उसे भगवान पर, इसलिए हमने उसे भगवान के पास भेज दिया है। अब ना तो कोई तकलीफ उस तक पहुंच सकती है और ना वो हम तक पहुंच सकती है। अनुपमा का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज्ड। अरे तो ये देखो, ये है हमारी परेशानियों का हल दिया। अब हम इसे दुनिया के सामने अनुपमा बनाकर पेश करेंगे, कैसे लगे? पूरा यकीन है ना ये टिया है अनुपमा ने? मैंने पूरी छानबीन की है, ये टिया ही है। लेकिन आज से ये दुनिया के सामने अनुपमा के नाम से जानी और पहचानी जाएगी मेरी जान। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये अनुपमा की हम शक्ल जरूर है लेकिन हमारे किसी काम की नहीं। अरे क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? इसको जरा गौर से देखिए, इसका अनुपमा का कोई मेल नहीं है। इसकी हरकतें, एक हरकत करेगी इसकी सच्चाई पूरी की पूरी सामने आ जाएगी। और इसकी सच्चाई सामने आने का मतलब है हम लोग की सच्चाई सामने आना, और फिर हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। कुछ तो सोचिए आप, कहाँ ये सड़क छाप चालू लड़की और कहाँ अनुपमा, इतनी सौम्य सभ्य और वेल कल्चर्ड। ए सारा, क्या बोला आप उनको? चालबाज बोला, सड़क छाप बोला? नहीं, वो एक्चुअली वो दरअसल वो बात हम कुछ और कर रहे। रिलैक्स सेठ, ठीक तो बोली मैडम, अपुन है चालबाज है सड़क छाप। क्या बात है मैडम, तुमने तो अपुन को एकदम ही पहचान लिया। लेकिन मैडम, शोरूम को देखकर माल का अंदाजा मत लगाओ। वो क्या है ना, अपुन मधुबाला से लेकर करीना कपूर तक सब बन कर दिखा सकता है। सैंपल बताऊं? हाँ दिखाओ दिखाओ। दिखाओ? हाँ दिखाओ ना। पहले मधुबाला, घुंघरुओं के ताल पर थिरकने वाली कनीस के सीने में भी दिल होता है जिल्ले इलाही, और ये दिल बार बार यही कह रहा है, जब प्यार किया तो डरना क्या। क्यों मैडम, कैसा लगा? अभी अपन हेमा मालिनी करके बताता है। यूं तो हमें ज्यादा बात करने की आदत नहीं है लेकिन आप बोलते हो इसलिए बताती हूँ, हमारा नाम बसंती है। कैसा लगा अपुन का परफॉर्मेंस? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। लेकिन क्या बात है ना टिया, कि जिसके लिए तुम इस घर में आ रही हो अनुपमा, वो एक अलग लड़की है। सब सौम्य संस्कारी, मतलब कि सुबह उठते ही भगवान की पूजा करना, बड़ों के पैर पड़ना, समझ गए ना मैं कहना चाह रहा हूँ? साला समझ गया, वो एकदम टीवी सीरियल के हीरोइन के माफिक। बिल्कुल।
एक मिनट हाँ। माँ जी आप खाना खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया, सब ठीक हो जाएगा माँ जी, भगवान पर भरोसा कीजिए, भगवान मेरी बात जरूर मानेंगे। अनुपमा, अनुपमा नी साला टिया या पुंटिया, खा गए ना धोखा तुम भी। देखा आप क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। तो अभी से टिया की ट्रेनिंग शुरू करें? हाँ चलो ये लो। क्या मैडम हो गया ना अपन पास? ये कैसी बेशर्म लड़की है, सामने कपड़े उतारिए, अंदर जाना। अरे वरी डोंट सेट, अंदर कपड़ा पहना है। चलो अभी अपन का ट्रेनिंग सब खत्म हो गया, अपन जाता है, अपन को जरूरी काम है। हाँ एक बात बोलूं सेठ? हाँ बोलो। तेरा ये आइटम है ना बिल्कुल झक्कास है यार। अरे इसलिए तो अपुन का आइटम है। सॉरी मेरी जबान को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ये लो कुछ एडवांस, कल सुबह काम पे आ जाओ। अरे वाह वेरी वेरी थैंक यू सेठ, एंड वरी डोंट, कल सुबह अपुन बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा, चलता है। अगर ये कल नहीं पहुंची तो हम बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो तो वही होगा ना फिर, आसमान से गिरे हो खजूर पर अटके। अरे मेरी जान मुझे पूरा भरोसा है कि ये वापस जरूर आएगी और यही हमारे परेशानियों का हल करेगी। चीयर्स। जाओ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माता रानी तुम्हें और अन्नू को हर मुसीबत से उभारेंगी बेटा। जाओ।
बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अकेले का जाना वहाँ ठीक नहीं होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं भैया, उन्होंने मुझे अकेले ही बुलाया। अगर उन्हें जरा भी शक हो गया कि मेरे साथ कोई और है तो अनु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात भी ठीक है बेटा तुम्हारी, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। लाए हो पूरे हैं? बैग हमारी तरफ फेंक दो। मेरी पत्नी का है, पहले मेरे अनु को लेकर आओ, फिर मैं पैसे दूंगा। अनु को ले आओ। अब बैग को हमारे हवाले कर दो, जल्दी फेंको। बिना नहीं जी सकती था। अब आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? शुक्र है भगवान का, तू घर आ गए। आजा अनुपमा, अंदर आजा। रुको, तुझे याद है जब पहली बार तू इस घर में आई थी, इस कलश के चावल बिखेर के? आज वही रस्म तुझे फिर निभानी होगी, क्योंकि आज तेरा नया जन्म हुआ है बेटा। For more updates, log on to Sahara1.in. Like us on Facebook.com/Sahara1TV. Follow us on Twitter.com/Sahara1Media. For more updates, log on to Sahara1.in. Like us on Facebook.com/Sahara1TV. Follow us on Twitter.com/Sahara1Media.